कि शायद अटेंडेंस और बढ़ जाए नेवर माइंड uh, जितने भी लोग हैं हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है uh, क्योंकि ये ओकेजन बहुत इंपॉर्टेंट है चाहते तो सिर्फ एक प्रेसर भेज करके भी अनाउंस कर सकते थे बट वी वांटेड टू कि आपसे रूबरू बातचीत करें क्योंकि पहला मौका है शायद काफ़ी समय बाद बहुत पहले uh, सेंटा ने एक शो ऑर्गेनाइज किया था उससे काफ़ी पैसा रेज किया था अब बहुत बार जब भी सिंटा का नाम आता है तो मोस्टली कोई प्रॉब्लम होती है तो सिंटा का इस पर क्या कमेंट है फला एक्टर को तकलीफ हुई फलां प्रोड्यूसर को तकलीफ हुई सिंटा इसमें क्या कर रहा है तो ये थोड़ा खटकता था हम लोगों को 2015 से जब से आए तो एक ये रियलाइज किया कि इतना बड़ा टैलेंट बैंक है हमारे पास एक्टर्स हैं सब एक्ट्रेसेस हैं तो पॉजिटिव एक्टिविटीज़ क्यों नहीं कर रहे हैं हम कभी आए नहीं किसी के दिमाग में हमारे दिमाग में भी थोड़ा देर देर से आया फिर वर्कशॉप शुरू की धीरे धीरे एंड एक डेस्परेट डेस्परेटली ढूंढ रहे थे कि हमारा अपना एक सेलिब्रेशन होना चाहिए स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवॉर्ड्स होते हैं यूएस में हम लोग क्यों कुछ ऐसा नहीं करते हैं सो so, होते 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 ये आइडिया जीरो इन हुआ फोर्टी एट आर फिल्म प्रोजेक्ट योगी चोपड़ा ये कॉन्सेप्ट लेकर के आए के एक्ट फेस्ट और वो क्लिक कर गया क्योंकि हर कला का अपना एक फेस्टिवल है म्यूजिक का होता है बहुत सारे होते हैं uh, डांस के बहुत सारे होते हैं लेकिन एक्टिंग एक्टर सब जगह जाते हैं वो एक फेस्टिवल का पार्ट होते हैं किसी पैनल डिस्कशन में होते हैं एक्टिंग को कौन सेलिब्रेट कर रहा है कोई सेलिब्रेट नहीं कर रहा कोई अवार्ड फंक्शन हो जाता है वहाँ बेस्ट एक्टर बेस्ट एक्ट्रेस और बाकी एक्टर्स सेलिब्रिटीज़ के तौर पर बैठ करके ताली बजाते हैं शो की शान बढ़ाते हैं पर हमारी कला का सेलिब्रेशन ही नहीं है और दुनिया में कहीं नहीं है सो द आइडिया वॉज फैंटेस्टिक वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट उम्मीद नहीं थी कि क्या रिस्पॉन्स मिलेगा बट वी आर वेरी हैप्पी टू से हमारी कम्युनिटी से फ्रेटर्निटी से जो रिस्पॉन्स मिला है uh, कुछ ऑलमोस्ट मोर देन सिक्सटी एक्टर्स एक्ट्रेस फ्रॉम टेलीविजन एंड मूवीज ओवर द पीरियड ऑफ टू डेज दे आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस फेस्टिवल एंड प्लस गेस्ट्स मिला करके कुछ पिछहत्तर सौ एक्टर्स एक्ट्रेसेज अंडर वन रूफ ओवर अ पीरियड ऑफ टू डेज राइटर्स क्रिटिक्स दे ऑल कमिंग देर ऑल वेरी एक्साइटेड सो हमारी तरफ से तो वी ऑलरेडी फील वेरी सक्सेसफुल कम्युनिटी इज़ वेरी एक्साइटेड कि अरे ऐसा कभी किसी ने सोचा ही नहीं फैंटेस्टिक आपस में मिलेंगे बात करेंगे शेयरिंग अलॉट ऑफ नॉलेज बेसिक आइडिया इज नॉलेज क्योंकि आप एक, एक एक्टर से एक्ट्रेस से बातचीत भी करते हैं परफॉर्मर कहूंगा बार बार एक्टर एक्ट्रेस कहना पड़ता है परफॉर्मर कहते हैं यहाँ चलिए बातचीत भी करते हैं उनकी जर्नी ही जानते हैं वो अपने आप में एक बहुत बड़ी एजुकेशन होती है इस फील्ड में सर्वाइव करना सक्सेसफुल होना बार बार फेलियर देखना वो हम सब की ज़िंदगी का हिस्सा है तो बातचीत है परफॉर्मर्स के साथ पैनल डिस्कशंस हैं बहुत सारे राइटर्स के नज़रिए से पैनल डिस्कशन हैं कास्टिंग डायरेक्टर्स के नज़रिए से कास्टिंग डायरेक्टर्स और एक्टर्स का क्या रिश्ता है क्रिटिक्स और एक्टर्स की जो एक लव हेट जर्नी है वो रिश्ता भी है इसके अलावा अलग अलग तरह की एक्टिंग है स्टेज पर अलग होती है सिनेमा में आते हैं तो वो ट्रांजिशन क्या है रजित हैं नीना गुप्ता हैं सेलिब्रिटीज़ की लिस्ट बहुत लंबी है उसके बारे में विस्तार से अमित ज़्यादा बता पाएंगे क्योंकि आई एम मोर ऑफ अ सुपरवाइजर है जहाँ आग लगती है तो मैं वहाँ आग बुझाने पहुँच जाता हूँ बट मेन ऑर्गेनाइजेशन का काम योगी की टीम और अमित और हमारी कोर टीम पायल दीपक काजिर अभय अयूब फैंटास्टिक टीम वेरी वेरी प्राउड ऑफ दिस टीम जो खड़ा किया है दो दिन का फेस्टिवल अब लग रहा है कि शायद तीन दिन करना चाहिए था क्योंकि इतने रेस्पॉन्स आ रहे हैं सामने से हमारे मेम्बर्स आकर के बोल रहे हैं कि भाई आ, मैं ये करना चाहता हूँ मैं ऐसा सेशन लेना चाहता हूँ सो so अब सबको बोलना पड़ रहा है कि अगले साल बिकॉज वी वॉन्ट टू मेक इट एन एनुअल इवेंट ये हर साल होगा और कोशिश करेंगे आगे चल के कि ये एक इंटरनेशनल हो इसमें बाहर से जो हमारे इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एक्टर्स है सैग एफ्ट्रा है उन सब का सपोर्ट है सो so बाहर के एक्टर्स भी यहाँ आए इंटरेक्शन हो क्योंकि हमारी कम्युनिटी हमारे एक्टर्स को भी अब इंटरनेशनल लेवल पर रिकोगशन मिलने लगा है सो so ये आदान प्रदान जो पहले होता था कि क्रॉस ओवर सिनेमा कहा जाता था अब तो बहुत कॉमन सी बात हो गई है हमारे इरफान हैं या निमरत हैं इस तरह के लोग इंटरनेशनल सीरीज और प्लेटफॉर्म्स पे काम कर रहे हैं और आगे चल के ये एक स्टेपिंग स्टोन अभी हमारे लिए है थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाए सो so जिस तरह से स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड होते हैं सिंट आई वुड लाइक टू स्टैब्लिश एन अवॉर्ड डेडिकेटेड सोनली टू आर कम्यूनिटी एक्टर्स फ्राम टेलीविजन वेब मिनी सीरीज फिल्म थिएटर टोटली डेडिकेटेड टू एक्टर्स सो उम्मीद करते हैं कि विद इन अयर और सो हम शायद उस तरफ आगे बढ़ पाएंगे और एक और बड़े फख्र की बात है जो बहुत समय से हम सब के दिमाग में आईडिया था कि हमारे ऐसे बहुत सारे सीनियर कलाकार हैं जिनका कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत है सिनेमा में टेलीविजन में थिएटर में लेकिन चूंकि वो कभी सो कॉल्ड स्टार्स नहीं रहे या सुपर नहीं रहे फिल्में उन्होंने की हैं सैकड़ों तीन सौ साढ़े तीन सौ फिल्में की हैं टेलीविजन सीरीज की हैं लेकिन उन्हें कभी कहीं कोई लाइफ टाइम अचीवमेंट या इस तरह का कोई रिकोग्शन कहीं नहीं मिला सो हॉल ऑफ फेम अवार्ड इस साल से हम स्टैब्लिश कर रहे हैं हमारे पंद्रह सीनियर वेटरन कलाकार उनको सम्मानित करेंगे उनकी लिस्ट भी अमित आपको बताएंगे सो so, मेरे लिए हम सब के लिए वो सबसे फख्र का विषय है और जिन जिन मेंबर्स को हमने सूचित किया कि सर मैडम आपको इस बार हम ये सम्मान दे रहे हैं दे व वेरी वेरी हैप्पी कि आखिरकार सालों बाद किसी ने याद किया so, लिस्ट आई आई लेट अमित टेक ओवर थैंक यू सुशांत आई जस्ट टेक यू ओवर कि दो दिन में हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं बिकॉज फर्स्ट एडिशन एंड वॉट एवर केम टू आर माइंड एक्टर्स केम टू अर्स के वाई नॉट दिस क्रिटिक्स केम टू अर्स के ये क्यों नहीं डालते आप फॉर एग्जाम्पल वी आर वेरी इंटरेस्टिंग पैनल कॉल्ड क्रिटिक्स एंड एक्टर्स लव स्टोरी were the Film Critics Guild of India, which is uh, Rajiv Masand, Rohit Khilnani, uh, Ajay Brahmadwaj and uh, Bharti Pradhan in conversation with uh, Swara Bhaskar and hopefully we'll have a director on board. So we've just got to get a confirmation from Mr. Rajkumar Gupta because, so it's going to be a wonderful uh, motley group of people talking. We've got another very interesting panel and Amol uh, no, is in the uh, writer's panel, uh, the writer's uh, panel has got from pen to performance. So that's got, it's backed by the Screenwriters Association, so uh, Sanjay Chauhan and Abhijit Deshpande, Zama Habib and uh, Sunil Salgia, uh, Amol Gupte and Mayur Puri. That's a very interesting uh, motley group of people discussing pen to performance, because what is perspective writer? TED Talks, mein, for example, Ashish uh, has got a very, uh, because you know, it's primarily handling failures. Uh, it's named something else, but uh, he's, Ashish's, it's called, uh, uh, I mean, How in Changing, time how in, uh, changing Times Actors Reinvent. a Rubaru session hai, jisme Manoj bajpayee and Sushant, who working uh, you know, with each other from uh, Khan and Satya, maybe they'll discuss their journeys together. nina Gupta and Rajit Kapoor, two performers who have traversed mediums and have been colleagues for such a long time, unka Ek Rubaru session a very old friend of ours, Ronit Roy, who, uh, obviously my senior in television, but I will take him through a journey, a rubaru with him. Ronit will discuss his journey, how he's tackled various mediums, highs and lows. Uh, we've got a very, an another interesting session, Comedy is Serious Business, with uh, Rajesh Hirji and uh, Kavita Kaushik, and Ali Askar and Sushmita Mukherjee. Our opening session, both interesting hai, which is uh, Hasna Virji with uh, Johnny Lever, Jamie Lever and Rajesh Hirji, which is very interesting. बिकॉज वे दे गट टू जस्ट लेट देम सेल्फ यू नो बी एंड जॉनी भाई को हम सब जानते हैं तो हमारे पहले यू नो ही वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ सेंटा ऑल्सो एट द सेम टाइम ही इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ स्टैंड अप सो हिस पर्स्पेक्टिव इज वेरी इंपॉर्टेंट ऐसे आई मीन आई थिंक द प्रेस रिलीज है लॉड ऑफ थिंग्स वी एव नॉट बीन एबल टू इंक्लूड अ लॉड ऑफ पीपल हू वॉन्ट टू कम फ्रॉम अदर रिटर्निटीज नॉट ओनली एक्टर्स के हम भी एक क्योंकि एक्टर जो एक जीव है इसको हमेशा होता है कि आपका रोल कैसा लगा आपको इस फिल्म में या आपने ये कैसे किया ये कॉन्ट्रोवर्सी के बारे में आपने क्या किया या आपका ये अफेयर था या फिर आपकी एक अल्कोहलिजम की प्रॉब्लम थी या दिस पर्सन टू ड्रग्स इसी पे हम एक्टर्स हमेशा स्क्रूटनी के अंडर रहते हैं वी थॉट कि वाई आर वी नॉट सेलिब्रेटिंग आर ओन फ्रेटर्निटी वाई आर वी नॉट सेलिब्रेटिंग दिस ग्रेट क्राफ्ट ऑफ एक्टिंग इट इज़ एंड लॉड ऑफ पीपल वो आर जस्ट लुकिंग एट इट एज ए ग्लैमर इंडस्ट्री Okay, there is a lot of glitz and glamour attached to it, which is why some of us do come in. But there is more to uh, you know performing arts. That's why a lot of knowledge series. That's why we've got a very interesting workshop on a new art form, which is actually a very old uh, art form. Uh, Deepal Joshi is doing something on comedy de la art, which is discovering the nuances of this great art of comedy. Uh,

They've just come here because they believe that the cause that we're doing, whether it's our cause or the cause that Yogi's company, which is Cancom and 48 hour because they're they also doing something very interesting. They organize the Anifest, they organize the 48 hour film project. He's the head of the 48 uh, hour chapter in India. Synergy the team says, let's do a, I will not, I mean, use the, I think I should use the word, a kick-ass two-day show, irrespective of whatever money is coming. एंड इट शुड लीड टू जैसे सुशांत ने बताया टू द सेंटा अवार्ड विच इज ऑन द लाइन ऑफ द सैग अवार्ड बिकॉज सैग एफ्टर हमारे अफिलियट्स हैं सो ऑल द प्रिपल एक्टर एसोसिएशन इन द वर्ल्ड आर ऑल्सो सरप्राइज प्लेजेंटली सरप्राइज कि हम लोग इस तरह का कुछ कर रहे हैं जिसमें कॉमेडी से लेके वेब नीव गॉट टू सेज एक्टिंग ऑन टेलीविजन रियली एंड वीव गॉट न सेशन विच इज कॉल्ड हुट एनी वे वे पीपल फ्रॉम Different generations in a way will be discussing two very important aspects of television, which was followed by a question answer session of Sushant and Gaurav Banerjee, who's head of fiction Star India. We've got a section on transcending barriers in terms of mediums. Uh, so, Kubra Set and Amit Saad and Amit Seyal uh, with Flora Seni. Um, and post that is a conversation with Nikhil Madok, who's head of Hotstar, because the web series, OTT platforms are growing day by day. देर इज ए सर्टन गैप उच दी ओ टी टी इज फीलिंग जो लोगों को लगता था कि अगर टेलीविजन थोड़ा सा डाइग्रेसिव हो रहा है सिनेमा में इतनी ऑपरचुनिटीज नहीं हो रही हैं सो वेब सीरीज ऑन गुड ओ टी टीज विद डिसेंट बजट्स आर ऑफरिंग यू ग्रेट कॉन्टेंट वीव जस्ट सीन इट विद सक्सेस ऑफ थिंग्स लाइक ब्रीद इन सीरेट गेम्स इन मिर्जापुर एंड ऑल द स्टॉफ दट सो वील्सो गाट सुमित व्यासो बीन ए पैन यूर एक्टिंग आफ्टर इज परमाट रूमेट सो टी वी एफ के हिज जर्नी And then we've got actors who have transcended language barriers. with People like Pawan Malhotra and Divya Dutta and Ravi Kishan and Manoj Joshi and Sudhanshu Pandey. And which is moderated by Renuka shane We've got another thing which is called Hindi medium. We've got Deepak Dobriyal and Kumud Mishra. Uh, which is very interesting. In Bombay share, share Mumbai, like हो जाता है कठिन जब सुशांत हिंदी में बोलते हैं अंग्रेजी में बोलते हैं तो किफ सोन टेली मी के वो इजी ऑन योर इंग्लिश बट आई डू थिंक इन इंग्लिश सो मेनी अ टाइम वट इज वैट पीपल कमिंग फ्रॉम इनहेरेंटली हिंदी बेल्ट और हम काम करते हैं हिंदी में लेकिन जब यहाँ पर आकर एक अंग्रेजियत आपके मुंह पर एक मारी जाती है तो हाउ डू यू कोप विद दिस पीपल हु कमिंग फ्रॉम वेरी ट्रेंड बैकग्राउंड लाइक द भारतीय हिंदू नाटक अकेडमी और द नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा बट देव कम आउट फ्रॉम दिस क्लोज एटमोस्फियर राइट इन टू दिस बिग बैड वर्ल्ड मुंबई एंड बॉलीवुड

But they've not really been honoured on those platforms uh, which for whatever reason, they must have been nominated or not nominated but they've been tirelessly working. Just uh, like Tabassum Ji I started as baby Tabassum or Mayor Amin Ameen Sayani Sahab, we were the founders of the big daddies of uh, Indian radio and she created this great niche. Gulshan a She created a mark in the field of anchoring. So we've just tried to do that and uh, we've been very very fortunate that you know Whistling Woods has come in as our knowledge partners because they are the premier uh, educational institution in the field of media and entertainment. Star and Hotstar have come in together. We were not expecting such a great response in terms of people coming in. Neither was Yogi nor was Vishant, was we, nor was our core team. But the way the, the fraternity has accepted us, we're very confident that… Uh, after this edition, next year's edition is going to be a three-day edition, and we will do the Santa uh, Awards within uh, the next 365 days. Before I wind up this thing, I'd like to show you two videos which are essential. We've just made it for the Act Fest and uh, so, Preeti, could we have the video? Yeah. yeah thanks. Uh, yeah. Or. Uh, विजया मेहता जी हमारी चीफ गेस्ट हैं बिकॉज़ फिफ्टी एट में दुर्गा खोटे जी थी और उनकी डॉटर इन लॉ विजया मेहता जी तो विजया भाई आएंगी, उनके बारे में कुछ बताएंगी एंड सारा अली खान हैज़ काइंडली अग्रीड टू ग्रेस एज गेस्ट ऑफ ऑनर सो वी थैंक बोथ ऑफ दम एंड क्लोजिंग सिक्सटीनथ इवनिंग को होगी बहुत सारे गेस्ट हैं विक्की कौशल हैज़ अग्रीड टू

So uh, yeah. पर है वैसे uh, चंद्रशेखर जी डेजी रानी जी जगदीप जी फरीदा दादी जी कुलभूषण राजेंद्र गुप्ता रमेश देव सायरा बानु सीमा देव शुभा खोटे सुरेखा सिकरी तबस्सुम एंड विजू खोटे ये के नहीं हमने uh, क्या है कि uh, जैसे भी सुशांत ने कहा ना कि इनको उस तरह का मतलब uh, एवरीबडी नोजेक्ट दैम इन बैचेज ऑफ टू अक्रॉस टू डेज इन द मेन ऑडिटोरियम इन दिन एक मेन पैनल खत्म होगा उसके बाद इन बैचेज ऑफ टू उनकी अवेलेबिलिटी और कन्वीनियंस के हिसाब से हमने कोशिश की कुछ जैसे कुलजी इज इन अमृतसर राइट नाउ तो हमारी टीम चंडीगढ़ से गई है कुलजी को वहां पर अवॉर्ड प्रजेंट भी करेंगे उनका बाइट भी लेंगे अवार्ड ऑन हिस्स बिहाफ अशोक शेखर जी हु एग्जीक्यूटिव uh, प्रोड्यूसर जो चंद्रशेखर जी के बेटे हैं वो आके uh, चंद्रशेखर जी का अवार्ड लेंगे uh, जैसे हम डेजी आंटी के घर पे जाएंगे और रमेश देव सीमा देव खुद आ रहे हैं शुभा जी और विजू जी खुद आएंगे और uh, जैसे एक और अवार्ड के लिए आई थिंक वी गॉट नीमी जी आएंगी सायरा जी के लिए अयूब खुद जाएंगे उनके घर पर और आई uh, थिंक सुरेखा जी की तबीयत बहुत खराब है तो वील गिव इट टू हिज टू हर सिस्टर जगदीप जी

Payal was uh, of this, uh, you know, opinion that we must do this, you know, we must do something on on sexual harassment, on rights, and we've just realized that the first edition, let's celebrate the actor and the performer. Throughout the year, we will be doing workshops and panel discussions and uh, uh, counseling sessions on rights. And uh, we've already done a very, you all are aware and you all have been a great support for us when it comes to, uh, you know, our fight for the Me Too movement and our struggle for it.

और uh, जब भी आपने देखा है जो लेस यूनाइट वीडियो है वी ट्राइंग टू डू इज फर्स्ट लेट्स सेलिब्रेट एक्टर, लेट्स अंडरस्टैंड हिज और हर हाईज लोज्वेज बट वी विल कम टू दिस इट्स वेरी इंपॉर्टेंटेंट क्वेश्चन साल भर ये वर्कशॉप्स हम करते रहते हैं ऑलरेडी सिंटा ऑफिस में जो कि ऑब्वियसली वो इट्स नॉट इन पब्लिक डोमेन हमारे मेंबर्स को मैसेज जाते हैं सो फ्रॉम सेशंस विद आर लीगल एडवाइजर हमारे साथ सेशंस कॉन्ट्रैक्ट समझना सो दैट कीप्स हैपनिंग बट येस फॉर फ्रेश एंट्रेंस जो हमारे मेम्बर्स भी नहीं हैं बिकॉज मोस्ट इम्पॉर्टेंटली दिस फेस्टिवल इज ओपन टू ऑल दिस इज नॉट जस्ट फॉर सेंटा मेम्बर्स इट्स ओपन टू द जनरल पब्लिक एंड ऑल्सो सीनियर सिटीजन 65 फाइव प्लस इट्स फ्री फॉर दम वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आर फिलासफी हैज़ बीन दैट वंस योर अ सीनियर सिटीजन मतलब आपने समाज के प्रति अपना जो कर्तव्य है दायित्व है आप निभा चुके हैं अब समाज की जिम्मेदारी है आपके लिए कुछ करें सो हेंस वीव केप्ट्री फॉर ऑल सिक्सटी फाइव प्लस पीपल प्लीज टेल योर पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स अंकल्स एंड आंस कम देर मोस्ट वेलकम बाकी तो अमित ने कह ही दिया है और अगले साल हमारे इंटरनेशनल पार्टनर्स साथ में होंगे तो ये ज़्यादा मजेदार सेशन होगा जो आपने कहा है वील डेफिनेटली हैव इट Yes. Yeah, देखिए इसी दौरान होगा बिकॉज न्यू ईयर के लिए ज्यादातर सब लोग बाहर चले जाते हैं छुट्टी के लिए मौसम जरा ठीक रहता है इस वक्त सो so, पहले इस साल का एक्सपीरियंस देख ले uh, कितने लोग आ रहे हैं और क्या रिस्पांस है और आगे क्या क्या चाहते हैं क्योंकि इतना दिमाग इसमें खर्चा कर दिया है पैनल्स में इतने सारे डिस्कशंस हैं अभी अगले साल का सोच भी नहीं रहे क्योंकि बहुत सोचना पड़ेगा अब अगले साल नया क्या क्या करें So, अगले साल का <laughs> साल का का मत पूछिए प्लीज इस बहुत स्ट्रेस है अपार्ट फ्रॉम डिस्कशंस दे गोइंग टू डू प्रैक्टिकली फॉर यू नो एक्टर्स एंड दो रियली नीड फाइनेंशियल हेल्प व्हेन दे आर नॉट वर्किंग अदरवाइज हो uh, नहीं, अच्छा। actually, नहीं जी मैं जब कहीं भी जाता हूँ तो लेकिन जब बात आती है सर आई आपकी जर्नी के बारे में बात करते हैं आप अब इस नजरिए से कोई भी किसी का भी इंटरव्यू देखिएगा जब अपनी जर्नी की बात करते हैं जो हाइज एंड लोज है एक्टर्स के और कैसे उसे हैंडल करते हैं हम जिसमें फाइनेंशियल डिफिकल्टी भी आती है एट टाइम्स यू आर ब्रोक बच्चों की फीस भी देनी होती है वो सब हम बेबाकी से डिस्कस करते हैं तो वहीं से सीखने को मिलता है कि कैसे हैंडल करनी चाहिए ये सब बातें so, इसलिए ये जितने रूबरू सेशंस हैं इसमें आप देखेंगे रोनित रॉय की जर्नी बहुत कमाल की रही है नीना गुप्ता जी एक्ट्रेस हैं रिबेल हैं प्रोड्यूसर uh, भी रही हैं डायरेक्टर भी रही हैं टेलीविजन भी किया है थिएटर भी किया है अब फिल्मों में वापसी की है एक इंस्टाग्राम पर पोस्ट डालने के बाद कि हाई आई एम नीना गुप्ता आई एम अ गुड एक्ट्रेस एंड आई एम लुकिंग फॉर वर्क सो वेन वी आर लिसनिंग टू हर जर्नी इट्स 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 अज एजुकेशन वहां से सीखने को मिल जाता है सब कुछ की जी कैसे हैंडल करना चाहिए कैसे सर्वाइव किया जाए सो so, ये डिस्कशन अपने आप में सिर्फ ये नहीं कि शुरू और खत्म हो गया या आप बहुत कुछ लेके जाएंगे इस डिस्कशन से क्वेश्चन थ्रू दर फॉर ऑल आर मेम्बर्स वी हैवी सेंड आउट बल्क मैसेज एंड मेल्स एवरी फोर्टनाइटली वी हैव सेशन इंश्योरेंस सेक्शल हेरसमेंट फाइनेंशियल प्लानिंग हेल्थ मैनेजमेंट ग्राफोलॉजी Uh, acupressure acupuncture yoga the brahma kumaris do sessions with us so throughout we, now we are, have a smaller space but in another couple of months when we move to the new center office which is uh, the center tower behind and benabani we will have more space to uh, do a lot of work for our uh, in terms of health related stuff in fact uh, next year uh, we have a very big uh, panel that we've planned on health in the actor this year we have because it was very little time because Aditi Govitrikar, Vidya Jamwal, and uh, Sonu Sood and Mandira Bedi were all travelling. We had a definitive panel on that on health management on what is it? But in two days and in a uh, place which is uh, overcrowded, for example, the NMBT by college which is right in the center of a lot of activity, and uh, and we have a. Uh, Rujuta Devakar's uh, assistant Jinal Shah, Dr. Jinal Shah is doing one session for us on health, if you see the uh, complete plan. But on how do actors take care of their health, their experience is something that we will definitely do uh, next year. This year we are packed. We have got an inter theatre competition for all the colleges under the uh, Velapale Kelavani Mandal. That is NM, Mitibai, Praveen Gandhi, NMIMS, uh, the Jitendra Chauhan College of Law. So five, five colleges participating in the inter-college competition.

Post the 16th, we'll all be in a position to assess uh, where we went right, where we went wrong, and what we should do and what we should not do in the next year.